माई चैनल एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग मी अगेन। सो कैसे आप सब लोग, आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और जैसे कि कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों से कहा था कि आज हमारे घर पर लोकनाथ बाबा का पूजा है, तो जिसकी वजह से आज थोड़ा सा जल्दी मैं उठ गई हूँ। 6:30 बजे मैं आज उठ गई थी। और आज जल्दी उठने की एक और वजह है, वो है आज मेरा एक क्लाइंट है, 9 बजे मुझे वहाँ पर जाना है और अभी बज रहे हैं 8:30। तो पौने 6:30 बजे आज उठी थी। थोड़ा सा जल्दी उठ के जितना मेरे से हो पाया मैंने थोड़ा सा घर को झाड़ू पोछा लगाकर क्लीन कर दिया है। थोड़ा सा मेरी सासू माँ के हाथों में हाथ पे काम वगैरह कर दिया है जितना इतने सी टाइम पे पॉसिबल हो पाया। तो उसके बाद अभी मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ। यहाँ पर मेरी मेकअप बैग्स वगैरह सब कुछ मैंने रेडी कर लिया है। दीपंकर के साथ मैं जाऊँगी, ये भी तो इम्पॉर्टेंट है, क्या करें, काम भी तो इम्पॉर्टेंट है। तो जितना हो सके मैंने कर दिया है, बाकी मेरी सासू माँ कर लेंगी। मैं 12:30 बजे घर पर आ जाऊँगी। तो चलिए आज का ये ब्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ, देखते रहिए। और मैं हमेशा की तरह आज भी ट्राईपॉड लाना भूल गई। तो यहाँ पर देखो मैंने बेस कंप्लीट कर दिया था और ये जो मेरी क्लाइंट है इसने वाटरप्रूफ मेकअप किया था, तो जिसकी वजह से यहाँ पर मैं मेरी रील्स व्हाट्सअप स्टेटस के लिए थोड़ा सा वाटर स्प्रे करके दिखा रही हूँ कि ये मेकअप कितना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। देखो मेरे हाथ पे एकदम भी मेकअप नहीं रिमूव हो रहा है। तो थोड़ा सा ही मैंने वीडियो किया था क्लाइंट का। बजे है 12:45, मैं घर आ गई हूँ। थोड़ी देर पहले ही आई थी, 5-6 मिनट पहले। अभी जस्ट जाऊँगी नहाने। मेरी सासू माँ ने जो प्रसाद है वो ऑलमोस्ट रेडी कर दिया है और थोड़ा जो कुछ भी बाकी है वो मैं नहाऊंगी। अभी नहाने के बाद उनके साथ हाथ बटाऊंगी। तो चलिए देखते रहिए, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। गाइज यहाँ पर देखो लोकनाथ बाबा का भोग बिल्कुल रेडी हो गया है। मेरी सासू माँ ने ही सब कुछ किया है, मेरे का तो आने में थोड़ा सा लेट हो गया था। तो यहाँ पर खिचड़ी और आलू भाजी और उसके साथ परवल भाजी, उसके साथ बैंगन भाजी, देन यहाँ पर है लूची और पीठे, और उसके साथ यहाँ पर मेरी सासू माँ ने थोड़ा सा आलू की सब्ज़ी बनाई थी जिसको हम आलू दम बोलते हैं बंगाली में। आलू की सब्ज़ी होती है ये, बहुत ही ज़्यादा ना टेस्टी यम्मी बनी थी। मतलब आप लोग देखकर ही आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। और भी बनाया था, चटनी बनाई थी, पायस बनाई थी। और नहा के आने के बाद मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। तो मेरी सासू माँ तो सभी मतलब खाना जो है पका चुकी थी भोग, तो यहाँ पर मैं जो फल भोग होता है वो रेडी कर रही थी। एंड आप लोगों को पता है कभी पूजा वगैरह होता है तो मेरे ऊपर ये काम आ जाता है, फल वगैरह कट करके अच्छे से सजा के रखने का काम ये मेरा होता है, क्योंकि ये मुझे करना पसंद है। तो ये मैंने कर दिया है। और यहाँ पर देखो मेरी सासू माँ ने एक एक करके सारे भोग ला कर दिया और मैंने अच्छे से सजा कर दिया। ये जो फल भोग मैंने बनाई थी वो यहाँ पर खिचड़ी और भाजी, और यहाँ पर देखो कितने सारे भाजी है, यहाँ पे आलू की सब्ज़ी, ये पायस, ये चटनी, और उस साइड पे ना इस थाली में थी पुलाव, तो बहुत लूची पीठे ये सब थी, बहुत सारा कुछ बेचारी ने अकेले अकेले किया। यहाँ पर मिठाई दही वगैरह सब कुछ है। और ये देखो सब कुछ अच्छे से मैंने सजा के रख दिया है। देन 1:30 बजे की करीब हमारी पूजा स्टार्ट हो गई। मेरी सासू माँ ने ही पूजा किया था। लोकनाथ पूजा पे हम अलग से ना कोई पुरोहित नहीं बुलाते हैं, घर पर ही हम खुद ही पूजा वगैरह करते हैं। सो गाइज हमारा पूजा कंप्लीट हो गई है। अभी रात को बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, छोटा सा एक कीर्तन भी होने वाला है, तो जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद जो खाना पकाने के लोग हैं वो आने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी सब्ज़ी वगैरह जो है वो थोड़ा थोड़ा करके मतलब कटिंग करके रख देंगे, ताकि जो खाना बनाने वाला लोग जब आएंगे तो जल्दी जल्दी हो जाए। देखो ये मेरी एक आंटी है, ये आई है हेल्प करने। तो यहाँ पर देखो कितने सारे सब्जी लेकर अभी बैठी हुई है। और ये भी मेरी एक आंटी है, ये भी आ गई है हेल्प करने। तो चलो
तो उस साइड पर जो आंटी आई थी वो सभी बैठ के सब्जियां कट कर रहे थे, और यहाँ पर हम लोग प्रसाद खाने बैठ गए थे। हम सभी ने सुबह से ही फास्टिंग किया था तो बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, और सारी की सारी जो प्रसाद है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मतलब देखना, भगवान का जो भोग चढ़ाते हैं वो ऑलरेडी टेस्टी ही बनती है, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हुई थी। गुड इवनिंग एवरीवन। सो दोपहर को खाना खाने के बाद ना मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब लग रही थी, मैं थोड़ी देर के लिए मैंने नैप ले लिया था, छोटा सा नहीं, डेढ़ घंटा मैं सोई थी। अभी जस्ट उठी हूँ, अभी 6:10 हो रखा है, और उठ के देखी जो खाना बनाने का लोग है वो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, स्टार्ट हो गया खाना बनाना बाहर। तो चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है अभी भी, पता नहीं क्यों। यहाँ पर देखी तो तो यहाँ बाहर रात का जो खाना है वो रेडी हो रहा है, और ये दोनों भी हमारी एक आंटी ही है पड़ोस की, तो ये दोनों आए हैं खाना बनाने। हमारे घर जब भी पूजा वगैरह होती है ये आंटी खाना बनाती है, और उसके साथ मेरी शादी पर भी इन्होंने ही खाना बनाया था। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना बनाती है, भोग वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती है। तो यहाँ पर बाहर सब कुछ रेडी हो रहा है, मैं बिल्कुल साड़ी वाड़ी पहनकर रेडी हो गई हूँ। मतलब थोड़ी देर बाद में तो लोग वगैरह आने लगेंगे, तो थोड़ा सा साड़ी वाड़ी पहन के रहना पड़ता है, ससुराल है। तो ये साड़ी मुझे मेरी बर्थडे पर मेरी मम्मी ने गिफ्ट की थी, मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो चलो अभी थोड़ी देर बाद लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप लोगों से फिर से सब कुछ शेयर करूँगी। शाम के 6:30 जो कीर्तन वाले अंकल है वो सभी आ गए थे, और यहाँ पर देखो स्टार्ट हो गया है कीर्तन। और इस बार ना मतलब पिछले बार की तरह तो बहुत बड़ा करके नहीं हो रहा है, तो हमारे आस पड़ोस में जितने भी सारे लोग हैं उन लोगों को सिर्फ बुलाया गया था। और यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा कीर्तन सुन लो। थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पर आ गई चाय बनाने, और आज इंडक्शन पर चाय बन रहा है क्योंकि हमारा जो गैस सिलेंडर है वो बाहर ले गए थे खाना रात का खाना बनाने के लिए। और सुबह से तो आज चाय पीना नहीं हुआ था क्योंकि हम सभी फास्टिंग पर थे, उपास थे, और दोपहर को सिर्फ भोग खाए थे, तो बहुत ज़्यादा सर में भी मेरी दर्द होने लगी थी, और सभी को चाय वगैरह भी देना पड़ेगा, तो एक एक करके मैंने सभी को दे दिया। और बाहर आके देखा मेरे जो सारे बच्चे हैं यहाँ पर खाने के लिए वेट करके बैठे हैं। आज तो सुबह दूध रोटी सिर्फ मेरी सासुमा ने खिलाई थी, और रात को फिर से मिलेगा जो वेज खाना बना है वही मिलेगा। और यहाँ पर देखो चिकुन वहाँ पर छत के ऊपर उठकर सोया हुआ है, ये कभी नीचे सोता ही नहीं, ऊपर ही सोता है। तो थोड़ी देर बाद जो भोग रात का जो भोग है खाना है वो रेडी हो गई थी। यहाँ पर देखो पायस है, यहाँ पर ब्रिंजल फ्राई मतलब बैंगन फ्राई करके रखा हुआ है, सब्ज़ी दाल बनी थी उसके साथ, यहाँ पर आलू और परवल की एक सब्ज़ी बनी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, यहाँ पर चटनी बनी थी, पापड़ बनी थी, और उसके साथ मिठाई तो थी। तो धीरे धीरे लोग आने लगे, आस पड़ोस के लोग आने लगे, हमारे रिलेटिव्स भी आने लगे, तो रात भी बहुत देर हो गई थी, 10:30 कीर्तन ख़त्म होते होते। तो हमारे दोनों घर में ही ना दोनों साइड पे हमने खाना परोसना स्टार्ट कर दिया। पिछले साल जब बड़ी करके हुई थी लोकनाथ पूजा तब तो हमने छत के ऊपर सब टेबल चेयर वगैरह लगाई थी, इस बार तो बहुत छोटा करके हुआ है इस वजह से छत पे नहीं हुआ है, घर पर ही हमने सब कुछ मैनेज कर लिया। अभी बज रहे हैं 2:24, ये देख लो 2:24 हो रही है, और मैं नहा धो के अभी थोड़ा सा फ्रेश होकर रूम पर आई हूँ, अभी हम लोग सो जाएंगे। एंड मेरी आंखों में अभी नींद भरी पड़ी है और बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। तो चलिए गाइस आज और
मतलब मेरे में इतना हिम्मत भी नहीं है कि मैं बात करूँ अभी। आज का ये ब्लॉग फिर मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। आई होप आज का ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड आप लोगों से फिर से मैं मिलूँगी मेरी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।